उल्लंघन इतना कम है। मैं चार साल से, जैसे मैं, हमारा फाउंडेशन शुरू हुआ है 2015 से, तब से मैं राजेश जी को एक बार मिला था चार साल पहले, तब से हम लोग क्लोज फ्रेंड हो गए। और बहुत कोशिश करता हूँ इनके सारे इवेंट्स में मेरी प्रेजेंस हो, क्योंकि मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ऑनर है मेरे लिए भी, बहुत अच्छे आदमी है। और जो अभी उसने जो सोशल सेवा का भी जो अभियान शुरू किया है ना, वो भी पूरे इंडिया के अंदर बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा, बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा। और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं ना कि उनके लिए कभी, उनकी तारीफ करने के लिए कभी कभी तो शब्द भी कम पड़ते हैं हमारे जैसे लोगों को, बट मेरे लिए ऑनर है। और एज एन एक्टर हम लोग को बहुत कम चांस मिलता है कि हम सोशल सर्विस करें, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कॉज के लिए आते हैं, दिल को भी सुकून मिलता है, रूह को सुकून मिलता है। और एक बात, श्रीवास्तव इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, रिजवान अल्टिया साहब भी सोशल कॉज को प्रमोट करते हैं, इनका इनका रिजवान अल्टिया फाउंडेशन का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। यस, वही, तो इंशाल्लाह आगे मिलकर काम आगे बढ़ाएंगे, तो इनकी भी बहुत सहायता करेंगे। ओ मैं यार फैजल खान का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे फाउंडेशन को, वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, जब भी नीड रहती है, तो उनका भी मैं आज सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।